अगर आपको चाउमीन खाना पसंद है तो आपके लिए रेसिपी एकदम परफेक्ट है। बहुत ही आसान तरीके से आप घर में एकदम बढ़िया तरीके से ये चाउमीन बना सकते हैं। देसी चाउमीन बनाने जा रही हूँ मैं, जिसमें बहुत सारी वेजिटेबल का यूज़ किया गया है और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही है देखने में, तो सोचिए खाने में कितनी बढ़िया होगी। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं देसी वेज चाउमीन। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, पास से आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए सारे जो सॉसेस हैं एकदम चाउमीन में अच्छे से मिल गए हैं और बहुत ही बढ़िया हैं। सब्जियां हैं बहुत सारी, जो कि ठंडियों का सीज़न चल रहा है, बहुत सारी सब्जियां मार्केट में अवेलेबल हैं, तो क्यों ना आप भी एक बार बना के घर पे ही ट्राई करें। बिल्कुल मेरे तरीके से बनाएं तो बहुत ही बढ़िया आपकी चाउमीन बनेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुषमा आपका सुषमा की रसोई में स्वागत करती हूँ। तो यहाँ मैंने पतीले में पानी बिठाया है जिसमें बॉईल आ गया है, और इसी के साथ यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। और यहाँ मैंने एक पैक लिया है चाउमीन का, आप चाहे तो इसमें से हाफ क्वांटिटी बना सकते हैं, मैं यहाँ पे पूरा बना रही हूँ। तो यहाँ पे डाल देते हैं इसमें, और आपको यहाँ पे चाउमीन को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप इसमें पानी में डालेंगे तो ये अपने आप ही अलग अलग हो जाएगी। तो 5 मिनट के लिए इसको हम मीडियम फ्लेम पे बॉईल करेंगे। ये देखिए डालते ही चाउमीन इसमें अलग अलग हो गई, तो बस यहाँ पे हमें ज़्यादा बॉईल इसको नहीं करना है। और ये देखिए ये बॉईल हो चुकी है अच्छे तरीके से, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए हमें इतना बॉईल करना है ताकि जब हम इसमें खाएं तो एक क्रंच बना रहे। तो यहाँ पे बॉईल हो गई है, तो इसको मैं अब यहाँ पे छान लूँगी छन्नी में। तो चलिए इसको छन्नी में छान लेते हैं। तो पानी से आपको इसको वॉश नहीं करना है, बस छान के आपको रख लेना है। ये देखिए नूडल्स एकदम अलग अलग हैं, बिल्कुल भी गले नहीं हैं यहाँ पे। तो बस यहाँ पे मैं इसको इसी तरीके से छोड़ देती हूँ और आगे की तैयारी करती हूँ। यहाँ पे तो कढ़ाई चढ़ा ली है मैंने, और इसी के साथ यहाँ डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। यहाँ पे आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सब्जियाँ ले रखी हैं, यहाँ पे बंद गोभी है थोड़ी सी, और यहाँ प्याज लिया है मैंने, लहसुन है 1 टेबल स्पून, थोड़ी सी शिमला मिर्च है, और थोड़े से गाजर हैं जिनको मैंने लंबे लंबे स्लाइसेस में काटा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लहसुन डाल दूँगी और लहसुन को थोड़ा सा यहाँ पे भुनने देंगे। तो यहाँ पे लहसुन डाल देते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे देसी तरीके से बना रही हूँ इसलिए लहसुन का यूज़ कर रही हूँ। मार्केट में जो मैगी मिलती है उसमें लहसुन नहीं होता है, तो चाहे तो आप डालें वरना अवॉइड कर सकते हैं। अब इसी के साथ यहाँ पे डाल दूँगी मैं प्याज। तो प्याज सब्जियों को यहाँ पे हमें बस हल्का सा भुनना है, ज़्यादा इसको वो नहीं करना है, इतना भुनना है कि बस यहाँ पे इसमें सब्जियों में क्रंच बना रहे। तो प्याज मैंने यहाँ पे डाल दिया है और थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे, बस हल्का सा ही मिक्स करना है, इसको भुनना नहीं अच्छे तरीके से हमें। तो यहाँ मैंने देखिए इसको मिक्स कर लिया। इसी के साथ इसमें डाल रही हूँ गाजर, सारी सब्जियाँ डाल देंगे, शिमला मिर्च भी डाल देते हैं, पत्ता गोभी भी डाल देते हैं, और अगर आपको इसमें मशरूम डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, आप इसमें बीन्स डाल सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। विंटर का सीज़न चल रहा है, सब्जियां मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल हैं। रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम आपके पास अगर है तो आप ज़रूर डालिए, देखने में बहुत अच्छा लगता है, कलरफुल लगता है, और सब्जियाँ भी बहुत सारी हो जाती हैं। तो यहाँ देखिए बस मैंने इसको 1-2 मिनट ही मीडियम फ्लेम पे इसको भून लिया लगातार चलाते हुए, और सब्जियाँ देखिए यहाँ पे भून गई हैं। अब यहाँ पे मैं नूडल्स डाल देती हूँ इसमें। तो यहाँ पे देखिए नूडल्स को डालते हैं, तो यहाँ नूडल्स मैंने डाल दिया है और इसको फॉक की सहायता से हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ देखिए मैं फॉक्स की सहायता से इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। फिर इसमें हम ऐड करेंगे कुछ सॉसेस। तो यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ डार्क सोया सॉस, इसी के साथ डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस, 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस, 1 टीस्पून यहाँ पे डाल रही हूँ वाइट विनेगर, इसी के साथ 1 टीस्पून डालूंगी यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर। तो यहाँ पे थोड़ा सा काली मिर्च मैं ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि देसी फ्लेवर में बना रहे हैं, और तो यहाँ पे थोड़ा सा काली मिर्च ज़्यादा जाएगा इसमें, तो अगर आप कम डालना चाहते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून डाल दिया है, और इसी के साथ यहाँ पे डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक। तो क्योंकि नमक थोड़ा सा कम डालेंगे, सॉसेज में भी नमक होता है, तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अगर आपको नमक कम लगे तो आप और भी मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको फॉक की सहायता से अच्छे से मैंने यहाँ पे देखिए मिक्स कर लिया है अच्छे से। ये आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया चाउमीन लग रही है देखने में, अच्छे से मिक्स हो गया है। यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी बढ़िया चाउमीन बनके तैयार हुई है, सॉसेस अच्छे से कोट हो गई हैं चाउमीन में,
ये देखिए बहुत ही बढ़िया चाउमीन बनके तैयार हुई है। तो क्यों नहीं आप भी घर पे बना के तैयार करें बाज़ार से लाने की बजाय। तो यहाँ पे चाउमीन बनके तैयार है, चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। ये देखिए एकदम खिली खिली चाउमीन बनके तैयार हुई है, बहुत ही बढ़िया। तो घर पे आप इसको हेल्दी तरीके से बना सकते हैं। जो भी आप यूज़ कर रहे हैं आपको पता है आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, क्या चीज़ इसमें डाल रहे हैं, कौन सा ऑयल डाल रहे हैं, कौन से मसाले डाल रहे हैं। वैसे इसमें अजीनोमोटो डाला जाता है, लेकिन अजीनोमोटो आप चाहें तो डाल सकते हैं, वैसे मैं इसको अवॉइड करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखिए इसको सर्व कर लिया, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, ये खाने में बहुत ही यमी है। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स से मेरे को आप ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।